नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले क्या अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार हो जाएंगे? दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने वाले अरविंद केजरीवाल को ये डर है कि कहीं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह अब उन्हें भी ईडी गिरफ्तार न कर ले। इसीलिए तो ईडी से मिले 9वें समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और गिरफ्तारी से बचने के लिए अब कोर्ट से संरक्षण मांगा है, और वो भी उस समय में जब आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर पेश होना था। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ भी रुख करते हुए आए। पहली पेशी में ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है 15,000 के मुचलके पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बीच अभी भी ये डर है कि ईडी कहीं समन के बहाने उन्हें गिरफ्तार न कर ले। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसी चीजें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ भी देखने के लिए मिली। पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी 2023 को सीबीआई अपने साथ अपने दफ्तर ले जाती है और तब से लेकर आज तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई है। ऐसा ही देखने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले संजय सिंह के साथ भी हुआ। 4 अक्टूबर को ईडी अचानक उनके घर पहुंचती है। लगभग 10 घंटों की छापेमारी के बाद देर रात 5 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब से लेकर आज तक संजय सिंह भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दोनों ही नेता राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं में से किसी को भी अभी तक जमानत नहीं मिली है। 6 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद फिर से पेशी है। उन्हें राहत मिलेगी या नहीं ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट जाकर एक बात तो साफ कर दी है कि कहीं ना कहीं ईडी अधिकारियों को लेकर उनके मन में ये डर जरूर है कि कहीं वो जेल ना चले जाए। अरविंद केजरीवाल को लेकर अब पूरी तरह से अपनी बात सामने रखती हुई नजर आ रही है दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे आतिशी सिंह मालिना। क्या कुछ कह रही है आतिशी, पहले आप ये सुनिए। मंत्री अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश हुए। उन्होंने ये कमिटमेंट 3 हफ्ते पहले कोर्ट को दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया था कि जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा उसके बाद वो खुद फिजिकली अपीयर होंगे कोर्ट में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है। तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया, उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी, अब उस पूरे केस पर बहस होगी, अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है, क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा। अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं है, वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें
इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया, कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं, मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को दो और समन भिजवा दिए। ये क्या है, ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों, तो देखा आपने और सुना भी, आतिशी ने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की साजिश ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए केंद्र में बैठी भाजपा कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए फर्जी मामलों में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को फंसा रही है ताकि वे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार ना कर पाए। इन तमाम आरोपों के बीच अब ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि क्या आज यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में राहत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल को नजर आएगी या फिर नहीं। काफी ज्यादा ये भी सवाल रहेगा देखना अहम कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में क्या अब जेल जाते हुए नजर आएंगे, जिसका डर न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी को भी सता रहा है। क्या रहेगा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, यह देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।